और अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के कई शहरों में किस तरह बेखौफ बालू माफिया कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता अजय कांबले ने अहमदनगर, पुणे और सोलापुर जैसे शहरों में पड़ताल की। देखिए कैसे इन जगहों पर धड़ल्ले से नदी किनारे अवैध उत्खनन का काम होता है। ये तीन तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि महाराष्ट्र के शहरों में किस तरह रेत का अवैध खनन हो रहा है। सैंड माफिया को कानून का कोई खौफ नहीं, दिन हो या रात बालू माफिया बेखौफ होकर अपना काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, सैकड़ों मजदूर काम पर लगे हैं। गांव वाले इससे परेशान हैं। यह अवैध खनन होते हुए सबको दिख रहा है, लेकिन जिन पर इसे लीगल काम को रोकने की जिम्मेदारी है उनको यह अवैध काम नहीं दिख रहा है या उन्होंने जानबूझकर आग पून दी है। सबसे पहले आपको अहमदनगर की तस्वीर दिखाते हैं। आमतौर पर अवैध काम रात के अंधेरे में होते हैं, लेकिन यहाँ मुला और प्रवरा नदी के किनारों पर दिन के वक्त ही गैर कानूनी सैंड माइनिंग हो रही थी। नदी के बीच में बाकायदा जेसीबी लगी हुई थी, ट्रैक्टर खड़ा था, पानी के अंदर से रेत निकालकर ट्रकों और डंपर्स में भरा जा रहा था। ये बताइए कि क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या कर रहे हो? रेती भर रहे हैं। क्या कर रहे हो? क्या करना? ये बताइए कि आप क्या कर रहे हो? कहीं नहीं, काम कर रहे हैं। नहीं, क्या कर रहे हैं? रेती भर रहे हैं। रेती किस लिए? काम दे। वो बताइए ना, बताइए ना। ये बताइए बेटा, क्या क्या कर रहे हो आप यहाँ पर जो है रेती? किसने बोला आपको भरने के लिए? हैरानी इस बात की है कि अवैध खनन का एक कारोबार तहसील से सिर्फ कुछ ही दूर अंजाम दिया जा रहा था। रेत माफिया की दहशत इतनी ज्यादा है कि गांव के लोग तो छोड़िए, कोई अफसर तक यहां नहीं आता। प्रशासन का कहना है कि रेत बेचने में मुनाफा बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग अवैध खनन कर रहे हैं। रेती के भाव जो है वो तकरीबन दिन दिन बढ़े जा रहे, इसकी वजह से कितनी भी बार अगर हम कार्रवाई करते हैं तो इसमें जो लोग शामिल है, ज्यादा पैसा होने की वजह से इसमें ज्यादा चोरी की घटनाएं और बढ़ रही है। इसके बाद इंडिया टीवी की टीम पुणे पहुंची और अवैध रेत खनन के काम को कैमरे में कैद किया। जेसीबी के जरिए ट्रैक्टर पर रेत लोड की जा रही थी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल रेत खदानों की नीलामी को लेकर कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। इसका फायदा भी रेत माफिया उठाते हैं। जहां जगह मिलती है वहां अपना नेटवर्क बनाते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं और फिर गैर कानूनी तरीके से नदी के अंदर से रेत निकालते हैं। आज भी देखा जाए तो दिन दहाड़े यहाँ पर जो है जेसीपी है, पोकलैंड है, दो दो जेसीपी है और आमतौर पर यहाँ पर जो जानकारी मिली उसके तहत 10-12 जेसीपी दिन रात यहाँ पर रेती की चोरी करते हैं। हजारों टन यहाँ से रेती चोरी की जाती है और हैरानी की बात यह भी है कि प्रशासन किसी प्रकार की कार्रवाई इन पर करता नहीं।